कार्यकर्ता लाखों लोगों को मोक्ष की राह बताने वाले स्वामी प्रज्ञानंद महाराज लगता है खुद ही उस रास्ते से भटक गए हैं। जो संस्थाएं उन्होंने लोगों की भलाई के लिए बनाई थी वहां अब करोड़ों की टैक्स चोरी और हेरा फेरी के अड्डे खुल गए हैं। हमारे खुफिया कैमरे से स्वामी प्रज्ञानंद की मुलाकात हुई दिल्ली के उनके आश्रम में। हम पहुंचे टैक्स बचाने की कोशिश में लगे बड़े कॉर्पोरेट घरानों के दलाल के रूप में। महाराज की भाषा बेहद सदी हुई थी, राज की परतें खुलने में थोड़ा वक्त लगा। ये था कि जो हमारे पास 6-7 अभी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, जो 31 मार्च है अभी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक आ रही है, तो वो जल्दी चाह रही थी कि जल्दी से अपना फंड कहीं किसी ऐसे ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर दे जहाँ पे उनका पैसा भी सिक्योर हो, उनका पैसा ना डूबे और कुछ पैसा रख के वो लोग आप मतलब जो ट्रस्ट के चेयरमैन वगैरह होंगे वो उनका लौटा दें। तो क्या ऐसा हो सकता है? आप तो कहोगे हम जरूरत हमें दे दें, हाँ वही बोली चले, हम कहाँ शो करेंगे? क्योंकि आप जो भी पैसा दोगे हमको आप चेक से दोगे। जी हम चेक से देंगे। और चेक से दोगे तो हम चेक से जमा करेंगे, हम रसीद देंगे आप। ठीक है स्वामी जी। अब रसीद देने के बाद में उस पैसे को हम कहेंगे शो। काला पैसा चेक से लेने में घबरा रहे हैं स्वामी प्रज्ञानंद। उन्हें ये चिंता सता रही है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन गड़बड़ी तो हो चुकी थी। स्वामी का लालच मंत्र खुफिया कैमरे में लगातार कैद होता जा रहा था। हम चाहते थे कि सौदा कुछ इस तरह से हो कि कमीशन की 10% रकम रखने के बाद वो बाकी का 90% लौटा दे, ताकि काली कमाई का एक मोटा हिस्सा सफेद हो सके और कानून को भनक न लगे। फिर क्या था, माहौल में सिक्के बरसने लगे। स्वामी जी खुद ही कानून की आंखों में धूल झोंकने के तरीके गिनाने लगे। वो तरीका हमें बता दो। नहीं, आपका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा बता दें, फिर मैं आपको ऑफर दे दूंगा कि भाई ये ऑफर हो सकता है एक्सेप्ट हमारे लिए। हाँ तो आप मतलब ये है कि हमारे हमारा पैसा गया तो कंस्ट्रक्शन में खर्च होगा। ठीक है, हमारा पैसा या तो बिल्डिंग हुआ, मंदिर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, या कुछ हमारी वहाँ स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बनने की सोच बना रहे हैं, तो इन चीज़ों को हो सकता है। तो आप उसको आप कैसे आप शो करोगे हमें, आप अपने सीए से आप बात कर लो। जी जी। और हम अपने सीए से बात करके देखेंगे, तो हमें फंड भी मिलने वाला है 10-10 करोड़ के 5 हमको मिलने वाले हैं, वो हमसे पैसे वापस मिलेंगे और वो हमसे इससे प्रभावित हो गए हैं। हम दूसरों से देंगे 50% की बात हुई दूसरों को। सुना आपने, इस संत की जुबान पर लालच डोल रहा है। स्वामी प्रज्ञानंद ने यह खुलासा कर दिया कि कई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों से उनका 50-50 में सौदा तय हुआ है। वो जितनी काली कमाई का दान उनके चरणों में अर्पित करते हैं उसका आधा ये व्हाइट मनी के तौर पर चेक से वापस कर देते हैं और आधी रकम खुद टकार जाते हैं। लालच की ये रेखा खींचती जा रही थी। जैसे ही हमने स्वामी प्रज्ञानंद से ये कहा कि एक बड़ी कंपनी 10 करोड़ की काली कमाई उनके ट्रस्ट के जरिए सफेद करना चाहती है, स्वामी जी की जुबान पर लक्ष्मी आविराजी और पुण्य का वास्ता देकर 5 करोड़ की कमीशन मांगने लगे। साफ था, संत की सेवा करो, उसकी मुट्ठी गर्म रखो और फ्री में पुण्य कमाओ। अथॉरिटी पूरी मिली हुई है उधर की तरफ से, मुझे सिर्फ ओके करना है आपकी तरफ से कि आप कितना मतलब एक्सेप्ट, तो फिर मैं उसी हिसाब से फाइनल कर दूंगा। कोशिश करो 50-50। स्वामी जी देखिए 50% करो यार, तुमको ही तो पुण्य मिलेगा बेटा। नहीं देखिए स्वामी जी ऐसा है ना, कन्याओं के आशीर्वाद के अधिकारी बनोगे, इनका जो आशीर्वाद मिलेगा तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ इसकी कल्पना कर पाओगे आप। वो तो सेठ लोग हैं, तो बीच में जो हो ना बिल्कुल तुम्हें कोई फायदा ज्यादा मिलने वाला, उनको नहीं मिलने वाला, वो तो उनको उनको यहाँ से कुछ ही फर्क पड़ता है। और जो तुम्हें फायदा होगा इनके इनके इनकी दुआएं जो निकलेंगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरी रिक्वेस्ट ये थी स्वामी जी कि 33% तो हम गवर्नमेंट को दे के मतलब पैसे को मतलब एक नंबर। हमारा इतना बोलना था कि स्वामी प्रज्ञानंद महाराज का डिब्बा गोल हो गया, उन्हें लग गया कि ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आएगा, तो एक झटके में ही उन्होंने अपना कमीशन घटाकर आधा कर दिया। कुछ न मिलने से कुछ मिलना तो बेहतर है, खुद ही सुनिए।
आपके ट्रस्ट में अगर हम पैसा देंगे, सपोज करिए 10 करोड़ रुपए दिया हमने, तो उसमें से अगर सपोज करिए 20% भी मिलता है तो उनको बचत होगी, टैक्स से पैसा जल्दी तो बच पाएगा, अदरवाइज उनको क्या फायदा होगा? 25% पे, तो 25 पे मैं आपकी तरफ से डन समझू? डील पक्की हो गई, पुण्य का चेहरा पाप के चेहरे में बदल गया, आडंबर का खेल सामने आ गया। शगुन के तौर पर स्वामी प्रज्ञानंद ने हमसे 3001 रुपए तक लपक लिए। हमें गुरु मंत्र मिल चुका था, स्वामी प्रज्ञानंद 10 करोड़ का 25% पाने के सपने संजोने लगे और हम इस कालकोठरी से बाहर निकल गए। कहानी यही खत्म नहीं हुई। स्वामी प्रज्ञानंद ने आगे की बात पक्की करने के लिए हमें अपने सीए के पास भेजा। सीए तो स्वामी का असली चेला निकला, उनसे 2 कदम आगे ही निकला। तो देखिए आपने स्वामी प्रज्ञानंद की असलियत किस तरीके से पाखंड रस्ते लगातार हर रोज टीवी पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, लेकिन आज उनका असली चेहरा खुलकर सामने आ गया IBIN 7 और कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन में। अब मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं मेरे सहयोगी संदीप चौधरी। और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के ठीक पहले संदीप एक प्रोग्राम को एंकर कर रहे थे मुद्दा को, और वहां पे स्वामी जी मौजूद थे। संदीप क्या कहना था स्वामी? बिल्कुल जबलपुर से मौजूद थे और जो दर्शक हमारे उस कार्यक्रम को देख रहे थे खुद को पाक साफ बता रहे थे, कह रहे थे कि लोग मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें भगा दिया था, मैंने पैसे नहीं लिए और कहा कि जो ऐसे कमीशन खोर साधु संत हैं वो धूर्त हैं। धूर्त शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। सुमित अब खुद क्या कर रहे हैं, खुद धूर्त हैं या नहीं, ये दर्शक खुद अंदाजा लगा सकते हैं, खुद ही वो तय कर रहे, दर्शक तय कर देंगे। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या भगवान की आड़ में इंसान को छल रहे बाबाओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए? और अगर आप अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं हाँ इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, AKP लिखें, स्पेस दें, Y लिखें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, भाई ये साधु हैं, संत हैं, AKP लिखें, स्पेस दें, N लिखें। अपने जवाब, अपनी राय 2622-2622 पर SMS करें। जैसे कि मैं आपको बताया कि स्वामी प्रज्ञानंद अब से कुछ देर पहले हमारे कार्यक्रम मुद्दा में मौजूद थे और लगातार दावे कर रहे थे जो लोग इस तरीके से पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, वो धूर्त होते हैं। हम आपको उनका असली चेहरा भी दिखा चुके हैं कि किस तरीके से हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर जब उनसे मिले तो खुलकर मोल भाव कर रहे थे, खुलकर पैसे मांग रहे थे। बिल्कुल, और कह रहे थे कि अरे तुम कहां जाओगे, तुम्हें भी तो मिल रहा है, यानी कि चोर चोर मुसेरे भाई हैं, थोड़ा तुम कमाओ थोड़ा हम कमाएंगे, कंपनी जाए भार में, इस तरह की बातें कर रहे थे स्वामी प्रज्ञानंद। अब उनके चेहरे पर लगा मुखौटा उतर चुका है। देश दुनिया को भलाई के रास्ते पर चलने की राह दिखाने वाले प्रज्ञानंद खुद अपने रास्ते से भटक चुके हैं। माया ने उन्हें अपने बंधन में जकड़ लिया। 2.5 करोड़ रुपए के कमीशन के लिए उन्होंने अपना भगवा चोला उतार फेंका और कहा कि उनके चार्टेड अकाउंटेंट से बात कर लें। स्वामी प्रज्ञानंद का चार्टेड अकाउंटेंट भी कम घाग नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट का पूरा गोरख धंधा वही संभालता है और उसका नाम है JK गुप्ता। काले धंधे के इस घालवेर की कागजी कार्रवाई के लिए उसने भी हमसे 50 लाख रुपए कमीशन मांग लिया। ठीक है, धन्यवाद, जय रीम स्वामी जी। अच्छा वो कह रहे हैं कि आपके बारे में भी कुछ बताइए, आप आदेश करिए जो भी आप कहें, फिर वो मैं उसी हिसाब से अपना भी उनसे ले लेना, इसके अलावा फिर उनसे मांग ले लेना। नहीं तो मुझे बता दीजिए आप अपना क्लियर, आप देख लीजिए खुद जो मुनासिब समझे खत्म। नहीं नहीं, जो क्लियर वो एक बार हो जाएगा वो अच्छा रहता है, फिर बार बार ये नहीं रहेगा कि भाई क्या हम लोग क्लियर, बिल्कुल बिजनेस रहता अच्छा है। 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए तो कम करिए आप, देख लेना जो मुनासिब समझे। नहीं थोड़ा सा फिर भी क्लियर कर दीजिए, मेरा सेटलमेंट आज मैं ओके कर जाऊंगा, मैं तो इसलिए शकुन के आपके बताऊँ। आप बताइए, आप बताइए, चलिए आप ही को मत छोड़ा, सब कुछ अभी तक आपको छोड़ रखा है। नहीं हमें तो अपना मार्जिन देखना है, देखिए हमें पैसे बचेंगे तो हम, हमें कोई आप बता दीजिए भी मैक्सिमम ये दे सकते हैं, खत्म क्या बता दीजिए अपने हिसाब से खत्म। 35 लाख रुपीज देते हैं आपको, 25% पहले, 75% काम होने के बाद, कोई प्रॉब्लम? 50-50 कर लो पहले, उसमें क्या बात है, 25 उसमें क्या है, थोड़ा सा देख लेंगे, बात कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो स्वामी प्रज्ञानंद भी सुमित 50-50 करने की बात पहले कहते हैं, उनके सीए भी यही कहते हैं, लगता है कि बहती गंगा में सब हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। सबका फॉर्मूला लगता है बराबर है कि हमेशा 50-50 की ही बात की जाए। बिल्कुल, और स्वामी प्रज्ञानंद की जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमारे सहयोगी उनके पास पहुंचे, उन्हें कहा हमारे पास 10 करोड़ का काला धन है। बिल्कुल, और उन्होंने हमसे टोकन के तौर पर 3001 रुपए ले भी लिए।
और सहयोगी जेके गुप्ता ने भी हमसे कमीशन मांगा, 50-50 की बातचीत की और जो कुछ स्वामी प्रज्ञानंद कर रहे थे लगभग उसी फॉर्मूले को दोहराया उनके सीए ने भी। और 50-50 जो कर रहे थे उसके फिर 50 पर आ गए, 25% कमीशन कुल मिलाकर मांग ली, कहा 2.5 करोड़ दो वत्स और तुम्हारा भला हो जाएगा। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और भी चेहरों से इसी तरीके से मुकुटा उतारने की कड़ी जारी रखेंगे।